नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ताज ब्लॉग में। आरपीएल सीजन 1 का आज महामुकाबला खेला जाना है, फाइनल मुकाबला आरजे डबल स्टार और ब्लैक पॉइजन के बीच। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक पॉइजन जो कि टेबल पे टॉप पे थी 8 पॉइंट्स के साथ, वहीं आरजे 7 ने अच्छा कमबैक किया पहले लगातार 2 मैच हारने के बाद, सेमीफिनाले जीत कर फाइनल में पहुंची है और आज फाइनल मुकाबला खेला जाएगा इन दोनों टीमों के बीच। और अभी फिलहाल हमारे जितने भी मोहल्ले के मुरब्बी है, सीनियर प्लेयर्स है, रेडियंट क्लब के फाउंडर शौकत अली साहब भी और हमारे वरिष्ठ बहाउद्दीन अहमद सर और कई सारे वरिष्ठ यहां पर पहुंचे हुए हैं, सभी को अभिवादन करते हुए और कुछ ही क्षणों में मुकाबला शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से देखिए, जैसे मैंने आपको बताया डबल स्टार आरजे 7 और ब्लैक पॉइजन के बीच ये फाइनल मुकाबला खेली जानी है। ये सारी ट्रॉफियां सजी हुई है, आज जीतने वालों को मिलेगी। और देखिए खेल शुरू हो चुका है, ब्लैक पॉइजन की गेंदबाजी हो रही है, डबल स्टार की बल्लेबाजी। आजाद चौधरी अभी भी क्रीज पे जमे हुए, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर रिवर्स कर दिया है, रिवर्स के जरिए से 1 रन ले लिया, सर्वाधिक रन बना के खेल रहे हैं डबल स्टार के लिए अपने अनुभव का परिचय देते हुए। वहीं ब्लैक पॉइजन की भी अच्छी गेंदबाजी हो रही है, लेकिन बीच बीच में छक्के जड़कर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते हुए डबल स्टार के खिलाड़ी, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी यहां देखने को मिल रहा है डबल स्टार की तरफ से। और ये एक अच्छा शॉट और यहां 1 रन तेजी से ले लिया है, 2 रन लेना चाहते हैं और देखिए दोनों ही बल्लेबाज दौड़ चुके हैं, यहां पर 2 रन मुकम्मल कर लिया है डबल स्टार के बल्लेबाजों ने। इसी तरह से डबल स्टार ने 80 रन बनाए हैं, 81 रनों का लक्ष्य दिया है ब्लैक पॉइजन के लिए। 8 ओवर में 80 रन बनाने हैं, 10 रन प्रति ओवर की औसत से ये रन बनाने होंगे। आरिफ बल्लेबाजी कर रहे हैं, साथ में साबिर खान बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं और शाहबुद्दीन की गेंदबाजी हो रही है और ये छक्का हवाई फायर कर दिया है, दर्शक दीर्घा में जाके गिरी है गेंद 6 रन के लिए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी नहीं हो रही है लेकिन, और एक और छक्का, बहुत ही शानदार छक्का साबिर के बल्ले से आता हुआ, मैच रोमांचक होता हुआ नजर आ रहा है। 17 गेंदों में 33 रनों की जरूरत आरिफ और साबिर खान की अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। वहीं आजाद चौधरी, ख्वाजा जहरुल की बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहाँ देखने को मिल रही है। अब ये मैच फंसता नजर आ रहा था, अंतिम 6 गेंदों में 24 रन चाहिए थे और ये मैच डबल स्टार ने जीत लिया है। जी हाँ दोस्तों, डबल स्टार ने यह मैच जीता है 21 रन से और इस मैच में जितने भी व्यवस्थापक थे उनको अभिवादन करते हैं। और ये देखिए विनिंग ट्रॉफी दी जा चुकी है और ये रनिंग ट्रॉफी रहेगी, हर सीजन में ये बड़ी वाली ट्रॉफी रहेगी और एक छोटी ट्रॉफी दी जाएगी। यही रनर अप ब्लैक पॉइजन को ये देखिए रनर अप ट्रॉफी देते हुए हमारे वयस्क, और ये रहे कलाम कुरैशी जिन्होंने इस टूर्नामेंट का मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता है, जिन्होंने हरफन मौला प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता। बहुत ही शानदार रहा पहला सीजन।